पूरे प्रदेश के पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर पटवारी संघ ने हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। पटवारी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारियों की मांग है कि उनको वेतन 2800 ग्रेड पे के हिसाब से दिया जाए। हरदा में जब पटवारी कृषि मंत्री कमल पटेल से मिलने गए तो महिला पटवारियों ने कृषि मंत्री कमल पटेल को राखी बांधी और उनकी मांगों को पूरा करने का वादा लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पिछली बार जब मैं राजस्व मंत्री था तब राजस्व विभाग से संबंधित सभी वर्ग के लोगों का मैंने ध्यान रखा और उनकी समस्याओं का निराकरण किया, लेकिन प्रदेश के पटवारियों को लेकर कुछ विसंगतियां रह गई थी जिसे इस बार मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके दूर करवाऊंगा। पटवारी बहनों ने आकर मुझे राखी बांधी है। मेरा भी वादा है कि बहनों की राखी का मान रखा जाएगा और जो भी विसंगतियां हैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके उन विसंगतियों को दूर करवाएंगे। मांगों को लेकर यहाँ बैठे थे, से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मेरे में आया जब मैं राजद मंत्री था तब हमने सभी की बुधवार पंचायत कराए थे, पटवारी और राजस्व किसी कारणवश पटवारी का हो नहीं पाया था और इसलिए इनकी 2800 पेज के करने के लिए इनकी मुख्यमंत्री ने काफी जोर जोर से मैंने इसको बताया कि मैं मुख्यमंत्री से जाकर कल ही चर्चा करूंगा और आपकी समस्या को निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इनको मेरे ऊपर भरोसा है क्योंकि पहले जब राजस्व मंत्री था तो मैंने सारी राजस्व की समस्याएं और किसानों की समस्या उनकी समस्या को सुनकर की। आज बहनों ने मेरे को फूल की राखी बांधी। बहनों वो राखी मुख्यमंत्री रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।